देर आर टेन पेयर ऑफ शॉक्स इन अब बोर्ड फ्रॉम विच फोर इंडिविजुअलिटी दैर इज एट लीस्टर इज कम से कम एक पेयर आने की प्रोबेबिलिटी पर क्या है टेन पेयर सबसे पहले देखो टेन पेयर अगर आपका यहाँ पर है टेन पेयर मीन नंबर ऑफ शॉक्स कितने होंगे टेन इंटू एक पेयर में कितने होते हैं दो तो टोटल नंबर ऑफ आपके socks कितने यहाँ पर ट्वेंटी आपके टोटल है और इसमें आपके पास टोटल ट्वेंटी ठीक है अब बात वो पेयर की कर रहा है फोर इंडिविजुअल आपने पिक करा है पूर इंडिविजुअल यहां से पिक किया है ठीक है मतलब आप एक बार में यहां से एक ही आप पिक कर सकते हो ये बोल रहा है कि एक बार में पहले आपने एक सौक, पिक किया अगेन पिक किया अगेन पिक किया और अगेन पिक किया ठीक है तो इस तरीके से आपने पिक किया वो भी एट एटरैंडम आपने पहला दूसरा तीसरा और चौथा द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एट लीस्ट वन पेयर इज जब भी कभी एटलीस्ट वाली कंडीशन आती है तो यहां पर हमेशा इसके हम रिवर्स करते हैं बात उसने पेयर की करी है हम यहां से पिक कराएंगे कि जब भी कभी हम वन पिक करेंगे तो वो सिंगल आएगा किसी पेयर का एक सिंगल आएगा

ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम ना होने की प्रोबेबिलिटी प्रॉबिलिटी माइनस कर देंगे क्योंकि चार के चार पिक करेंगे और चारों बार में हम यहाँ पर क्या करेंगे हम एक बार भी पेयर नहीं ले रहे होंगे और उसको हम यहां पर माइनस कर देंगे बात क्लियर हो रही होगी आपको तो अगर हम फर्स्ट टाइम आपको बात करें कि फर्स्ट टाइम आपने यहां पर एक सॉक्स लिया ठीक है एक सॉक्स लेंगे तो ओवरऑल आपके पास कप वोड में नंबर ऑफ सॉक्स कितने हैं ट्वेंटी तो 20 में से आप 20 कोई भी पिक कर सकते हो तो आपका यहां पर आंसर क्या बनेगा 20 बाई ट्वेंटी होगा यानी 1 बाई वन फर्स्ट टाइम के लिए आपके पास 20 बाई ट्वेंटी है बट सेकेंड टाइम जब हम जाएंगे तो अब आपके पास कप बोर्ड में नंबर ऑफ सॉक्स होंगे 19, क्योंकि वन तो आपने पिक कर लिया दूसरी चीज अब मान लो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपके जो पेयर हैं वो कुछ इस तरीके से हैं हम हैं हम मान लेते कि सी इस तरीके से आपके सारे पेयर हैं डी वन डी टू अब आपने यहां से एक पेयर मान लीजिए पिक कर लिया एक पेयर पिक कर, कर लिया होगा किसका मान लो ए वन आपने पिक किया रेंडम आपने निकाला तो ए, ए पेयर वाला जो था ए वन वो आ गया अब यहां पर आप ए टू नहीं निकाल सकते हो क्यों क्योंकि आपका आगे पेयर बन जाएगा तो यहां पर क्या है ये भी आप नहीं ले सकते हो तो अब आपके पास यहां पर 19 सॉक्स जरूर हैं बस बट आपके पास यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी पिक करने की कितनी बचेंगी ओनली और ओनली 18 तो ये बा, हर बार जो पेयर होगा वो माइनस हो जाएगा उस पेयर से तो अब आपने यहां पर बी को पिक कर लिया तो अगेन आप बी वन या बी टू को बी वन पिक किया तो बी टू को नहीं कर पाओगे तो अगेन आपके पास नंबर ऑफ सॉक्स बचेंगे 18 बट पॉसिबिलिटी आपके पास ही होगी नेक्स्ट टाइम आपका यहाँ पर नंबर ऑफ सॉक्स होंगे 17 लेकिन पॉसिबिलिटी फोर्थ वाले को पिक करने के लिए ओनली 14 होगी क्योंकि वो पेयर वाला आप नहीं ले सकते हो तो ये जो आपकी पॉसिबिलिटी आएगी ये आएंगे यूनिक इंडिविजुअल आएंगे इंडिविजुअल सॉक्स आएंगे और जब हम जब वन से इंडिविजुअल कर देंगे तो आपका पेयर वाला आंसर आ जाएगा आप जरा इसको यहां पे सॉल्व कर लो इसको यहां पे सॉल्व करेंगे तो ट्वेंटी से ट्वेंटी कट हो जाएगा एटीन से एटीन कट हो जाएगा यहां पर बचेगा आपके पास सिक्सटीन इंटू और डिवाइडेड में आपके पास आएगा नाइनटीन इंटू इसको यहां पे सॉल्व करेंगे सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर कैरी सिक्स सिक्सटीन वन जाए सिक्सटीन और कैरी सिक्स ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई जा वन थर्टी सिक्स वन थर्टी सिक्स का यहाँ पर सिक्स आ जाएगा वन फिफ्टी थ्री सेवनटीन नाइन फिफ्टी थ्री होगा वन फिफ्टी थ्री का थ्री तो यहाँ कैरी हो जाएगा फिफ्टीन सेवनटीन वन जाए और फिफ्टीन हो जाएगा आपका थर्टी टू तो यहाँ पर आएगा कितना थ्री ट्वेंटी थ्री ये आपका जो पॉसिबिलिटी यहां पर आई है ये इसमें एक भी पेयर नहीं होगा अब हम क्या करेंगे एटलीस्ट वन पेयर की बात करी थी तो यहां पर हम क्या कर देंगे वन माइनस टू ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई थ्री ट्वेंटी थ्री और वन से कभी भी हम कोई भी नंबर यहां पर माइनस करते हैं तो माइनस करने के लिए इनके मिड का जो डिफरेंस होता है वो आपका न्यूमिनेटर में आ जाता है, और आपका, तो आपका यहाँ पर वन से माइनस करने के बाद बचेगा तो यही आपकी पेयर वाली पॉसिबिलिटी यहां पर आ जाएगी इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी किसी को भी इसमें डाउट नहीं होगा तो नाइनटी नाइन बाई थ्री ट्वेंटी थ्री ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा क्लियर है